गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ सेलो की तरफ से आने वाले ये इंसुलेटेड हॉट पॉट की, जिसमें कि आपको तीन पीस का ये टोटली सेट है। इसमें आपको 500 ml, 1 लीटर एंड 1.5 लीटर का सेट मिलने वाला है। तीनों इसी बॉक्स के अंदर है, देख सकते हो काफ़ी प्रेटी कलर ऑरेंज कलर का। आई रियली लव ऑरेंज कलर, आप लोगों से कितने लोगों को पसंद आता आई डोंट नो। वैसे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे बट मैंने ऑरेंज कलर को ऑर्डर किया है। तो अगर बॉक्स डिटेल देखें तो यहाँ पर ऊपर में देखिए हॉट एंड फ्रेश लिखा हुआ है, सेम चीज़ें हैं। आगे में सामने का इंटरफेस तो कुछ इस तरह का है, आपको तो मैंने ये तो दिखाया ही है। और यहाँ पे बताया गया है कि कोल्ड एंड हिट दोनों को ही काफ़ी टाइम तक लॉक करके रखता है। और इस साइड में देखिए यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा आपको, ये वाला कलर ऑप्शन भी अवेलेबल था बट बिकॉज मुझे ऑरेंज ज़्यादा पसंद है इस तरह से मैंने ऑरेंज कलर का ऑर्डर किया है। तो चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं इसके अंदर। सो हेयर यू कैन सी, अरे एक ही प्लास्टिक है क्या ये? अच्छा नहीं, एक ढक्कन निकला। ये तो बिल्कुल टिफिन टाइप का, काफ़ी छोटा सा है, इसको आप लोग एज ए टिफिन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहे तीनों सामान। ये रहो, आई एम रियली कंफ्यूज कैसे किसको उठाऊँ। तो ये देखिए तीन सामान यहाँ पर है, तीनों को मैं आपको बारी बारी ओपन करके दिखाती हूँ और इनके ढक्कन को भी दिखाती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है यार, मतलब बहुत ज़्यादा कूल सा लुक। और इसके साइड में ये जो इस तरह का पकड़ने का दिया गया है, थोड़ा सा कढ़ाई टाइप का लुक है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में। ये देखो आप, बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका, बहुत ही प्रेटी लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा है। तो ये आई गेस ये एक लीटर वाला है और इसमें आप लोग अपना खाना वगैरह भी रख सकते हो। इसका ढक्कन ये रहा, इसका ढक्कन भी काफ़ी सही सा है, ये देखिए पकड़ने के लिए यहाँ पर है जगह। और इसमें है डबल लॉक सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा इस तरह पुश, आफ्टर दैट इसको इस तरह लॉक, तो ये आपका डबल लॉक हो जाता है और बिल्कुल भी ये हिलता डुलता नहीं है। खोलने के लिए भी सिंपली आपको इसे करना होगा ऐसे और कुछ इस तरह से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले इस तरह लॉक करो डब से, उसके बाद ऐसे घुमा दो, तो ट्विस्टेड लॉक सिस्टम है इसमें। ये तो हो गया हमारा पहला, एक लीटर का ही मैंने सबसे पहले खोल दिया था। वो दिखा देती हूँ सबसे बड़ा वाला जो कि 1.5 लीटर का है, तो इसका लुक भी वही सेम है, साइज बड़ा है, अंदर में स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, मतलब यदि 4 जन की फैमिली होगी तो आराम से इसके अंदर रोटियां रखा सकती है। अगर आप लोग अपने डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व करना चाहते हो तो उसमें सर्व हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, देखिए प्लास्टिक बहुत सही है। अंदर की यदि बात करूँ तो अंदर में जो इंसुलेटेड स्टील यूज़ किया गया ना, ये भी काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा शाइनी मटेरियल इसका, प्लास्टिक वाकई बहुत अच्छा मुझे पसंद आ रहा है। इवन अगर इसके ढक्कन की बात करें तो ये देखिए ढक्कन का तो खाई सेम ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। और इसको लॉक करने का भी वही सेम प्रोसेस है, पहले इसको ऐसे करो, इस तरह लॉक हो गया, आफ्टर दैट ट्विस्ट। दो साइजेस यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए और सबसे फेवरेट मेरा यानी सबसे छुटकू वाला, ओह सो स्वीट, इतना छोटू सा है, मैं सच कह रही हूँ, एकदम टिफिन बॉक्स के साइज का है। और कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देखो इसके दो कॉन है छोटू छोटू से। इसको लॉक करने के बाद तो ये और ज़्यादा प्रिटी हो गया। एंड आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोग जिसने इसे खरीदा होगा ना, वो लोग पक्का इसको एज ए टिफिन यूज़ करते होंगे, जितना सही है ये। इसका लुक भी काफ़ी क्यूट सा एंड ऑरेंज कलर, यदि आप लोग किड्स के लिए भी देना चाहते हो ना तो उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगा, बड़े लोग भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा इसका कान निकला हुआ है तो थोड़ा हो सकता है अजीब लगे बट आई रियली डब्ड इट। तो यहाँ पर हमारे तीनों हॉट पॉट्स का मैंने आपको दिखा दिया है, इनकी क्वालिटी भी बता दी है, तीनों का सेम क्वालिटी है। बाहर का आउटर सरफेस प्लास्टिक का बना हुआ है, अंदर का इंसुलेटेड स्टील है। और यार क्वालिटी की क्या ही कहना, सेलो का प्रोडक्ट जिन्होंने भी यूज़ किया होगा ना वो लोग जानते होंगे कि इसका प्रोडक्ट ऑशम रहता है, इसके बारे में बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नाम ही काफ़ी होता है। सो अगर इतना कुछ जानने के बाद अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसे इजिली बाय कर सकते हैं।